हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे हाउ टू डू पेरेंथेसिस चेकिंग इन एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो आई टोल्ड यू कि स्टैक के एप्लीकेशन में इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका पहला स्टेप होता है कि हम पेरेंथेसिस मैच करें कि एक्सप्रेशन में प्रॉपर है या नहीं। पेरेंथेसिस लाइक अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। सो यहाँ पे क्लियर है कि ये ब्रैकेट शुरू हो रही है, ये बंद हो रही है, ये शुरू हो रही है, ये बंद हो रही है, तो मतलब इट्स अ परफेक्ट सेट ऑफ पेरेंथेसिस, राइट। लेकिन अगर आपके पास ऐसे होता ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी, तो अब मेरी ओपन तो दो हुई लेकिन क्लोज तो सिर्फ एक ही हुई। सो जब ओपन दो हो रही है, क्लोज एक हो रही है, दैट मीन्स देयर इज एन एक्स्ट्रा ओपनिंग पेरेंथेसिस या फिर ओपनिंग ब्रैकेट आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो वे आपने यहाँ पर ऐसे लिखा, अब आपकी ओपन एक हुई लेकिन जब ये वाली आएगी तो ये तो एक्स्ट्रा है जो क्लोज हो रही है। सो दिस इज योर एक्स्ट्रा क्लोजिंग पेरेंथेसिस। सो वी हैव टू टेक एन एक्सप्रेशन एंड चेक एक्स्ट्रा ओपनिंग और क्लोजिंग पेरेंथेसिस। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जब एक ओपनिंग ब्रैकेट आए उसको स्टैक में पुश करा दो, ठीक है, और जब एक क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो उसको स्टैक से पॉप करा दो। सो जब भी ओपन होगी हम स्टैक में पुश करेंगे, जब क्लोज होगी हम स्टैक से पॉप कर लेंगे, ठीक है। अगर सेम नंबर ऑफ ब्रैकेट्स पुश और पॉप हुई है, दैट मींस पेरेंथेसिस बिल्कुल सही है, जितनी मैंने पुश की उतनी ही पॉप भी हो गई, एक्सप्रेशन पूरी खत्म हो गई, स्टैक मेरा खाली है, दैट मीन्स वी हैव प्रॉपर पेरेंथेसिस इन द एक्सप्रेशन। बट अगर मान लो ये वाला केस है, आपने एक पुश की फिर दूसरी पुश हुई लेकिन पॉप तो एक ही हुई, एक्सप्रेशन खत्म हो गई लेकिन मेरे स्टैक में अभी एक ब्रैकेट बची हुई है। सो एक्सप्रेशन खत्म हो गई लेकिन स्टिल यू हैव समथिंग इन स्टैक, दैट मींस यू हैव एन एक्स्ट्रा ओपनिंग पेरेंथेसिस। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमने ओपनिंग की ये वाली पॉप हो गई, फिर जब वो इसको पॉप करने की कोशिश कर रहा है तो उस टाइम पे स्टैक खाली है, स्टैक में कुछ है ही नहीं। सो व्हेन आई वांट टू पॉप फ्रॉम द स्टैक, खाली है, आई डोंट हैव एनीथिंग इन द स्टैक, उसका मतलब है कि आपके पास एक्स्ट्रा क्लोजिंग पेरेंथेसिस है। सो इतनी सी चीज है जो आपको चेक करनी है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोग्राम इन ऑल थ्री प्रोग्राम्स व्हिच वी हैव टू डू। सो ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल ही सिंपल प्रोग्राम है। सो लेट्स सी इसको कोड कैसे करेंगे। सो दिस इज हाउ योर कोड्स लुक लाइक। हमने क्या किया है यहाँ पर, पहले स्टैक के ऑपरेशंस डिफाइन कर लिए। मैंने आपको बताया था स्टैक यूजिंग एरे जब हमने इम्प्लीमेंट किया था कि आप कैसे पुश और पॉप ऑपरेशंस बना सकते हो, तो हम यहाँ स्टैक बना रहे हैं एरे की हेल्प से। मैंने ये पुश ऑपरेशन बनाया जिसमें अपना एरे टॉप और वैल्यू रिसीव कर ली, ठीक है। अगर ओवरफ्लो नहीं है तो टॉप वाली पोजीशन पर हमने वैल्यू को इंसर्ट करा दिया। फिर ऐसे ही आपने पॉप ले लिया और जो भी डिलीट हो रहा है वो हम रिटर्न करा रहे हैं। अब यहाँ आता है आपका मेन कोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए। सो मैंने अपना स्टैक डिफाइन किया जिसका नाम है डेटा, टॉप ले लिया जो कि -1 है, मतलब स्टैक इज इनिशियली एम्प्टी, और अपनी एक्सप्रेशन में इसके अंदर इनपुट करवा रही हूँ। मैंने पूछा एंटर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई। अब मैंने एक लूप लिया जो कि एक्सप्रेशन के एक एक लेटर को चेक करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में पहला लेटर होगा 0 पोजीशन पे, फिर 1 पोजीशन पे, फिर 2 पोजीशन पे। सो फॉर आई इज इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन आई इज नॉट इक्वल टू नल, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट आती है, इफ एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू द ओपनिंग ब्रैकेट, तो उसे स्टैक में पुश करा दो। सो ओपनिंग में तो सिर्फ इतना ही करना है कि जब भी ओपनिंग आएगी स्टैक में पुश करा दो। अब अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है तो यू नीड टू पॉप फ्रॉम द स्टैक, है ना, पर पॉप करने के लिए कुछ होना भी तो जरूरी है। स्टैक में अगर कुछ होगा पॉप करने के लिए तभी तो पॉप करेंगे। तो अगर टॉप -1 है मतलब स्टैक खाली है, दैट मीन्स ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट आई है इसकी मैचिंग ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में है ही नहीं, है ना, यही मतलब हुआ ना इसका कि इसकी मैचिंग ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में है ही नहीं। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट है, और जब मेरे पास ये रिजल्ट आता है कि ये एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट है, मैं वहां पे ब्रेक कर दूंगी। सो आई डोंट हैव टू कंटिन्यू द लूप, मैं वहीं पे रुक सकती हूँ। एल्स अगर पॉप करने के लिए है, टॉप -1 नहीं है, देयर इज समथिंग टू पॉप, तो आप सिंपल पॉप को कॉल करा दोगे ताकि वो रिस्पेक्टिव ब्रैकेट वहां से रिमूव हो जाए। ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब पूरी एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी हम लूप से बाहर आ जाए। अब जब आप एक्सप्रेशन खत्म होकर लूप से बाहर आए हो, ये कंडीशन हमें अलग से क्यों चेक करनी पड़ी, क्योंकि हम ब्रेक के बाद भी आ सकते थे बाहर, है ना। सो बाहर तो ब्रेक के बाद भी आ सकते थे, पर मैंने चेक किया कि अगर एक्सप्रेशन आया नल हो गया है, मतलब मैंने पूरी एक्सप्रेशन चेक कर ली है,
पूरी एक्सप्रेशन चेक कर ली है, अब देखना ये है कि क्या मेरा स्टैक खाली है या उसमें कुछ है। अब अगर मेरा स्टैक खाली हुआ, मतलब जितनी पुश हुई थी ब्रैकेट्स उतनी ही ब्रैकेट्स पॉप भी हो गई, तो जितनी पुश हुई थी उतनी पॉप भी हो गई, तो आपके पास पेरेंथेसिस मैच परफेक्टली। सो द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स यू पुश्ड, द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स यू पॉप्ड इज सेम, सो बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अगर मेरा एक्सप्रेशन खत्म होने पर स्टैक में कुछ बच जाता है, दैट मीन्स देयर वॉज एन ओपनिंग ब्रैकेट जो पुश तो हुई थी लेकिन पॉप कभी हुई ही नहीं, सो दैट इज एन एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, सो इतना सिंपल सा कोड है पेरेंथेसिस चेक करने वाला। ये कोड आप खुद से करके देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, बाकी मैं ये गिटहब रिपोजिटरी में डाल दूंगी, तो जो AEC टेक गिटहब रिपोजिटरी है वहां से भी आप इन प्रोग्राम्स को निकाल सकते हो इफ यू वॉन्ट। ठीक है, सो एंटर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन एंटर की a+b मल्टीप्लाइड बाय c+d। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ये परफेक्टली मैच करती है। ठीक है, अब मैंने फिर से रन किया, अब जब मैंने फिर से रन किया तो मैंने लिखा a+b दो ब्रैकेट दे दी मल्टीप्लाइड बाय c, तो ये कह रहा है एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट। सिमिलर वे अगर आपके पास एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट रही होगी, लाइक a मल्टीप्लाइड बाय b+c, सो दिस इज ए मल्टीप्लाई, अच्छा मैंने स्पेस दे दिया, स्कैन एफ है, यू नॉट सपोज टू गिव स्पेस, सो इट हैज टू बी टुगेदर। ठीक है, सो ये तो एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। और सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पर ए मल्टीप्लाइड बाय दो ब्रैकेट देकर b+c दे दूं, सो इट्स एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट। सो अगर आप स्पेसेस लेना चाहते हो तो आप गेट्स के थ्रू इनपुट करवाओ, अगर आप बिना स्पेसेस के एक्सप्रेशन इनपुट कर रहे हो तो आप स्कैनएफ के थ्रू कराओ, क्योंकि स्कैनएफ बाय डिफॉल्ट स्पेसेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। सो दैट्स हाउ वी चेक वेदर द पेरेंथेसिस आर प्रॉपर और नॉट। प्रोग्राम आपका ये रहा, यू कैन हैव अ लुक, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गिटहब रिपॉजिटरी। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर योर पेरेंथेसिस चेकअप। सो प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ एंड देखो कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है। दिस इज अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। So that is it for this video. I'll see you in the next one with another topic which shows you the application of stack.